हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आलू सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी। अगर आपने मेरे इस तरीके से एक बार घर में आलू सोयाबीन की सब्जी अपने बच्चों को खिला दिया ना, तो यकीन मानिए वो बार बार इसी तरीके से आपसे बनवा करके आलू सोयाबीन की सब्जी खाएंगे। और आप जितना सिंपल मसालों के साथ में आलू सोयाबीन की सब्जी बना करके तैयार करेंगे, यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 6 कच्चे आलू को, और साथ में 2 पैकेट न्यूट्रीला वाला सोयाबीन को मैंने लिया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम बॉयल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आलू को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को लिया है, इसमें डाल देंगे कच्चे आलू को और साथ में 1/2 गिलास पानी को। अब हम इसमें ढक्कन लगा करके 2 सीटी लगा लेंगे आलू में। तो ये देखिए 2 सीटी लग चुका है और मैंने ढक्कन हटा दिया है, और आप देख सकते हैं कि आलू हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। आलू हमारा बॉयल हो गया है तब इसका छिलका हटा के साइड में रख लेंगे। और चलिए अब हम सोयाबीन को बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 गिलास मैंने पानी को ऐड किया है। अब हम इसमें डाल देंगे सोया चंक को और थोड़ा सा नमक को ऐड कर देंगे, और इस तरीके से चलाते हुए कलछी से सोयाबीन को हम बॉयल करेंगे। तो ये देखिए हमारा सोयाबीन भी बॉयल हो गया है अच्छी तरीके से। तो चलिए सोयाबीन को हम ठंडा करके इसका सारा पानी निचोड़ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सोयाबीन हमारा ठंडा हो गया है। अब सोयाबीन में से सारा पानी निचोड़ करके इस तरीके से एक बाउल में सारे सोयाबीन को हम रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा सोयाबीन में से सारा पानी निकल चुका है। अब पानी को हम फेंक देंगे। अब ये देखिए सोयाबीन भी हमारा बॉयल हो गया है और आलू भी बॉयल हो गया है, और आलू में से भी छिलका मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए कि मैंने किन किन मसालों का यूज़ किया है आलू सोयाबीन की सब्जी की ग्रेवी बनाने में। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक टमाटर को लिया है, बड़े साइज का टमाटर है, और 7 से 8 मीडियम साइज के प्याज को मैंने छिल के रख लिया है। 1/2 प्याज को हम भूनने में यूज करेंगे काट कर, और 1/2 प्याज को पेस्ट बना लेंगे। तो 1 चम्मच साबुत जीरा, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 5 से 7 कलियां लहसुन की, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और 4 सूखी लाल मिर्च को मैंने पानी में पहले से सॉक करके रख लिया था। इन सभी चीज़ों को साथ में मिला करके हम पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला पीस करके तैयार हो गया है, टमाटर भी पीस चुका है अच्छी तरीके से। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ रखा था, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल को। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन को। सोयाबीन को तेल में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। सोयाबीन का कलर लाल होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से सोयाबीन को फ्राई करना ज़रूरी है, तभी हमारी सब्जी में अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सोयाबीन हमारा फ्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे सोयाबीन को निकाल लिया है मैंने प्लेट के अंदर। अब मैंने फिर से 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल को डाला है, और 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता को डाल के अच्छे से मैंने इसे पका लिया है। और थोड़ा सा मैंने 1 पिंच इनको डाला है जिससे सब्जी में अच्छा फ्लेवर आएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 प्याज को बचा लिया था, जो उसे मैंने इस तरीके से काट करके तेल में मैंने डाल दिया है। और प्याज को हम हल्का लाल होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। प्याज को मैंने 1 मिनट तक तेल के अंदर में पकाया है, तो प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसे हुए मसाले को, जो मैंने पीस करके तैयार करके रखा था। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि इसमें प्याज अदरक लहसुन जो हमारा है अच्छी तरीके से पक जाए। इन मसालों का कलर चेंज हो जाएगा, हल्का लाल हो जाएगा, तब हम दूसरे मसाले को ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने डाला था वो अच्छे तरीके से पक चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए टमाटर को, और टमाटर को अच्छी तरीके से सारे चीज़ों में मिक्स करेंगे। तो कलछी से इस तरीके से मसालों के साथ में टमाटर को मैंने मिक्स कर लिया है और 1 मिनट तक पकाया है टमाटर को भी मैंने मसालों के साथ में। अब मैं सूखे मसालों में ऐड कर रही हूँ
आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, इससे अच्छा कलर आएगा, ये तीखा नहीं होता है। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है एक चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मसालों के साथ में मिक्स करके हम भुनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी को ऐड किया है मसाले के अंदर में, और मसाले को अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स करते हुए हम भून करके तैयार करेंगे। इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक को भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक चम्मच मैंने नमक को डाला है, यहाँ पर सिंधा नमक को डाला है मैंने, और साथ में एक चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला को भी मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया है। और मैं ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देख सकते हैं आप, 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है मसालों में से। मसाला हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। तो जब भी मसाले को कुक करें तो अच्छे से कुक करना चाहिए, जिससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मसाला हमारा भून गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाथ से इस तरीके से तोड़ करके उबले हुए आलू को। हाथ से आलू को तोड़ के मैंने इसलिए डाला है कि जब आप ग्रेवी, जब पानी आप डालेंगे ना तो ग्रेवी अच्छा बनता है, आलू से गाढ़ा हो जाता है सब्जी हमारा। तो आलू को मसालों के साथ में मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर फ्राई किए हुए सोयाबीन को भी मैंने डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मसाले के साथ में और 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे मसाले के साथ में सोयाबीन आलू को। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 2 मिनट तक अच्छे से पकाया है आलू सोयाबीन को, मसाले के साथ में अच्छे से भुना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम किए हुए पानी को। तो हमारा पानी अच्छे से गर्म है, पानी को अच्छे से गर्म करके डालिएगा। गरम पानी डालने से जो तेल होता है वो ग्रेवी के ऊपर आ जाता है और अच्छा लगता है सब्जी देखने में। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए तेजपत्ता को हटा दिया है, सारे तेजपत्ता में से फ्लेवर निकल गया है। तो अब मैं ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक देखिए पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, और 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा आलू सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता को नहीं डाला है, आप चाहे तो धनिया पत्ता को भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता मेरे पास अभी घर पर नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला है। बिना धनिया पत्ता का भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो ये देखिए हमारा आलू सोयाबीन की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पराठे के साथ मैंने सर्व किया है आलू सोयाबीन की सब्जी। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी है फ्रेंड, इसमें कोई भी अलग से मसाले का ज़रूरत नहीं है, बस घर के सिंपल मसालों से आप बनाएं और इस तरीके से बनाएं। देखिए सब उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से। अगर आप घर में बनाते हैं तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी बन के तैयार होता है। तो ये लीजिए फ्रेंड, मैं तो खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भी ज़रूर बना के घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि कैसी लगी आज की मेरी सोयाबीन आलू की सब्जी की रेसिपी। तो आई होप आज की मेरी आलू सोयाबीन की सब्जी की रेसिपी की वीडियो आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। और आपका पूरा वीडियो मेरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।